Okay, hello everyone. So topic of this webinar is super important. This is super important. But at the same time, ye important topic to hai, which is network marketing better than job? Is title ko sunte hi aapko ekdam se ye feeling aayegi, are bhai Tarun Agarwal, aap to apne aap ko digital networker bolte ho, you are a network marketer, aap to isme yahi bologe network marketing achhi hai, hai na? Ab You will just assume कि being a network marketer, मैं तो हमेशा network marketing को ही ऊपर बोलूंगा इसमें. But मैं आपको बता दूं कि ये पूरा का पूरा webinar, इसमें मैं network marketing को बढ़ा चढ़ा के कुछ नहीं बताने वाला. मैं आपको बस बताने वाला हूँ कुछ facts, मैं आपको कुछ बताने वाला हूँ कुछ बातें, और decide आपको करना है भाई. You have to decide if job is better than network marketing or network marketing is better than job. This you have to decide. Okay? I'm just going to speak on this topic for next half an hour to 45 minutes. I'm going to speak on this topic with my perception. मैं इसको कैसे देखता हूँ? Okay, so this is all my thoughts. No किताबी knowledge and anything. बस मैं इसको कैसे देख रहा हूँ? मैं वो आपको बताने वाला हूँ. Okay, all right. So is network marketing better than job? इस question का answer तो हम बाद में देखेंगे. But I have I have actually structured this webinar in a proper way. मैं आपको कुछ step by step कुछ चीजें बताना चाहूँगा. So that I really want that after this webinar जो आप ये देख रहे हैं. After this, you will be able to decide कि आपके लिए क्या ठीक है. Okay? आपके लिए decision आप ही लेंगे, क्योंकि जिंदा रहने के लिए सांस भी आप ही ले रहे हैं अपने लिए. Similarly, network marketing करनी है या job करनी है, रुपया कैसे कमाना है, ये decision आपका है, मेरा नहीं है. मेरा decision मेरा है, आपका decision आपका होगा. I am just going to help you to take a proper decision. Okay? Now, to help you to take a proper decision that which is better for you. I'm going to give you some very crucial, valuable knowledge, जिससे कि आप decide कर पाएं. पहली चीज क्या है? देखिए, there are two types of income. वैसे तो बहुत सारी incomes होती हैं, portfolio and different incomes. But बहुत simple रखने के लिए, let's categorize in only two types की income अगर हम categorize करें. बाकी आप किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करेंगे तो वो 10-15 इनकम बता देगा. अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इनकम आर देयर, तो उसमें वो दुनिया भर के वो दिखा देगा 15 इनकम, 20 इनकम. वॉरेन बफेट यहाँ से कमाते हैं, यहाँ से कमाते हैं, दुनिया भर की चीजें. बट मैं आपको बोल रहा हूँ ओवरऑल देयर आर ओनली टू ब्रॉड वे में, लीनियर एंड एक्सपोनेंशियल. लीनियर इनकम वो इनकम होती है विच इज एन एक्टिव इनकम, मतलब जब तक आप एक्टिव हैं तब तक आप रुपया कमा रहे हैं. एंड एक्सपोनेंशियल इनकम इज यू कैन से अ पैसिव इनकम. ओके, एक्टिव एंड पैसिव इनकम. Obviously, आपने कभी ना कभी ये वर्ड तो सुने होंगे, बट बहुत ज्यादा डिटेल में इसके बारे में ना बताकर बस मैं अपनी लैंग्वेज में आपको बताऊंगा. बहुत सिंपल लैंग्वेज में एक्टिव इनकम या लीनियर इनकम वो होती है कि सपोज कि आपको भूख लग रही है, ध्यान से सुनेगा इस चीज को. सपोज आपको भूख लग रही है, आपने ब्रेड का पैकेट खोला, ब्रेड खा ली, बात खत्म. ओके, भूख लग रही है, ब्रेड का पैकेट खोला, खा लिया, बात खत्म. भूख खत्म. बट क्या भूख दोबारा नहीं लगेगी? भूख तो दोबारा भी लगेगी ना. अगर भूख दोबारा लगेगी तो दोबारा से ब्रेड का पैकेट खोलेंगे, फिर खाएंगे, फिर बात खत्म. क्या दोबारा से नहीं लगेगी? त्रिबारा, चौबारा, बार बार लगेगी भाई भूख. तो जब तक पापी पेट, जब तक पेट है, जब तक जिंदा है, तब तक खाना खाना पड़ेगा, है कि नहीं? तो बार बार भूख लग रही है तो बार बार आपको खाना खाना ही पड़ेगा. ओके, विच मीन्स अगर या इसको अलग वे में अगर हम देखें कि अगर बार बार प्यास लग रही है तो बार बार गड्ढा खोदो, फिर से पानी पियो, फिर गड्ढा खोदो, फिर पानी पियो, उसको बोलते हैं एक्टिव इनकम. यू हैव टू बी एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग इन दिस सोर्स ऑफ इनकम. ओके, आपको अगर आप एक्टिवली काम करते रहेंगे तो आपको इनकम आती रहेगी, भूख मिटती रहेगी. दैट्स इट. ओके, तो जॉब एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, दीज टू थिंग्स कम इन टू एक्टिव इनकम. अब मैं बहुत डिटेल में वो फोर क्वाड्रेंट वो सब चीजें नहीं बताऊंगा, बहुत ही सिंपल रखना चाहते हैं. नाउ नेक्स्ट इज एक्सपोनेंशियल इनकम. क्या होती है भाई? नाउ एक्सपोनेंशियल इनकम वो होती है जहां पर आप एक बीज बोते हैं. अच्छा, मैं आपसे पूछ रहा हूं, आज अगर आपने एक बीज बोया तो क्या आज ही खाना खा लेंगे? क्या नहीं ना. आज अगर आपने बीज बोया तो क्या उसमें करेंगे? अच्छी मिट्टी में उसको बोएंगे, अच्छा बीज होना चाहिए, अच्छी क्वालिटी का बीज. अगर आप धरती में यहाँ पे बोएंगे उसके बाद उस पर पानी भी डालेंगे, सनलाइट भी पड़ेगी, धीरे धीरे करके वो बीज आगे बढ़ेगा और बढ़ेगा और बढ़ेगा और बढ़ेगा और बढ़ेगा वो बीज, और फाइनली धीरे धीरे करके फिर वो पौधा या फिर पेड़ में कन्वर्ट हो जाएगा. अब कुछ बीज हो सकते हैं कि आपको एक साल में फसल उगा के दे दें, हो सकता है कुछ बीज आपको
5 साल 10 साल जितना भी है व्हाटएवर। नाउ ये बात तो बिल्कुल श्योर है कि आपने एक बीज बोया यहाँ पर, एकदम से रुपया तो नहीं आएगा, या मान के चलो एकदम से तो प्यास या भूख नहीं मिटने वाली, लेकिन जब ये पेड़ में कन्वर्ट हो जाएगा ना, तो एक बीज से कितने बीज बनने वाले हैं ये आपको भी नहीं पता। सिंपल वे में बोलते हैं, मेरे जो अपलाइन है बहुत ही सिंपल वे में एक चीज बोलते हैं, बहुत ही सिंपल वर्ड्स में, कि एक सेब के अंदर, जो सेब होता है ना, सेब एप्पल, एक सेब के अंदर कितने बीज हैं। अरे भाई सेब काटो, आप काउंट कर सकते हैं, 5-6 बीज पड़े हैं उसके अंदर, है ना, लेकिन एक बीज के अंदर कितने सेब हैं ये आपको भी नहीं पता। ओके, सो इस बीज को, इस सीड को बोलते हैं बिजनेस, या फिर सिस्टम, या फिर जो इन्वेस्टर्स या बिजनेसमैन इसमें मतलब दे इन्वेस्ट देयर टाइम एफर्ट एंड मनी हियर, बट जो जॉब एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जो होता है दैट इज लीनियर या एक्टिव इनकम, जहां पर भूख लग रही है भाई भूख मिटा दो बात खत्म, बट यहां पर क्या है, दे प्लान फॉर लॉन्ग टर्म। ओके, सो जॉब एंड एम्प्लॉयमेंट में व्हाट हैपेंस, बस आज का सोचो बात खत्म करो, ओके आज खा पी लिया बात खत्म, बट इट इज लॉन्ग टर्म प्लानिंग। सो दीज आर टू टाइप्स ऑफ इनकम। अगर ये बात आपको इतनी तक समझ में आ रही है तो जस्ट टाइप इन दी चैट बॉक्स, जो कमेंट बॉक्स है, तो जस्ट टाइप 0.1 ओके, दिस इज पॉइंट नंबर 1, मैं एक एक करके आपको लिखवाना चाहूंगा। ओके, 0.1 ओके, बहुत सिंपल सी बातें हैं। ओके, मैं वो रॉबर्ट टी कियोसाकी का रिच डैड पुअर डैड की सब बातें नहीं बताऊंगा, जो कि बहुत ही पावरफुल सारी बातें हैं, बट उसके लिए मैं आपको बोलूंगा कि रॉबर्ट टी कियोसाकी से डायरेक्टली सीखिए, वो उनकी खुद बुक पढ़ के रिच डैड पुअर डैड, बट वेरी सिंपल वर्ड्स में टू टाइप ऑफ इनकम, जस्ट टाइप 1 ओके। ओके, नेक्स्ट आई एम गोइंग टू पॉइंट नंबर 2। अब पॉइंट नंबर 2 में अगर दो टाइप की इनकम होती है, हमें समझ में आ गई, तो पॉइंट नंबर 2 इज लेट्स अंडरस्टैंड दिस सिचुएशन। इससे पहले कि हम डिसीजन लें कि जॉब अच्छा है या फिर नेटवर्क मार्केटिंग, क्योंकि भाई नेटवर्क मार्केटर तो नेटवर्क मार्केटर को अच्छा बोलेगा, जॉब वाले को अच्छा बोलेगा, व्हाटएवर, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ कि क्या अच्छा क्या बुरा, लाइक डिसलाइक भूल जाइए, फिलहाल हम देखते हैं कि मार्केट कहाँ जा रहा है। ओके, आर यू रेडी टू डू सम मार्केट रिसर्च, बिकॉज वंस यू डू अ मार्केट रिसर्च ओनली देन यू कैन टेक अ डिसीजन, करेक्ट। सो टू टेक अ डिसीजन वी मस्ट हैव अ प्रॉपर एविडेंस। ओके, तो प्रॉपर थिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड कि मार्केट कहां जा रहा है, तो उसके लिए एक काम करते हैं, हम लोग सब मिलके इस टाइम पे कुछ मार्केट रिसर्च करते हैं। सबसे पहला, बिकॉज ऑफ व्हाट एवर सिचुएशन विच इज हैपनिंग, आपको पता है कि अभी जो कोरोना वायरस का ये जो टाइम जो भी चल रहा है, ऑब्वियसली दिस इज बैड टाइम, बट लेट्स अंडरस्टैंड कि हो क्या रहा है। अराउंड 27.1 ओके 27.1% अनएम्प्लॉयमेंट रेट हो चुका है ओके इंडिया में, दिस इज ऑल अबाउट इंडिया, जॉबलेस रेट इज 27.1, अभी अप्रैल में दिस वाज 23%, नाउ इट इज 27% एज पर सर्वे। तो लोग थोड़ा सा ये जो प्रॉब्लम है, कोरोना वायरस इज वन ऑफ द वायरस जो कि कोई कह रहा है कि यार 12 महीने में ठीक होगा, कोई कह रहा है 18 महीने में ठीक होगा, जब तक वैक्सीन नहीं आती। मैं कुछ पॉलिटिशियंस के कुछ स्पीच में सुन रहा था, आई थिंक केजरीवाल थे, कौन थे आई डोंट नो, मतलब चलिए छोड़िए जो भी थे वो, बट उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट एक बात ये बोली थी कि हमको क्या लगता है कि लॉकडाउन के बाद ये सब चीजें ठीक हो जाएंगी। लॉकडाउन इज जस्ट अ वे टू सेव अवर सेल्फ, लॉकडाउन एक तरीके से एक हैबिट है कि आप घर पे बैठ के बस अपने आप को सेव कर सकते हैं, बट दिस इज नॉट ए सॉल्यूशन। लॉकडाउन जैसे खुलेगा फिर अगेन ये बात फैल सकती है, अगर पूरे कंट्री में पूरी दुनिया में अगर एक पर्सन को भी ये वायरस होगा तो वो फिर से फैला सकता है। ओके, किसी एक को भी अगर होगा पूरी दुनिया में। ओके, सो अब क्या करें इसका, सो वी हैव टू वेट फॉर द वैक्सीन। ओके, और वैक्सीन कब आएगी, कोई कह रहा है एक साल, इवन अमेरिका भी बोल रहा है बाय 2020 एंड व्हाटएवर, सो दिस इज गोइंग टू टेक सम टाइम। अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज 27% राइट नाउ, लेट्स सी नेक्स्ट मंथ क्या होगा। ओके, बट व्हाट यू थिंक, विल दिस जंप? डेफिनेटली इट विल जंप। बहुत सारे लेबर क्लास जितने भी लोग हैं वो अपने अपने शहर जा चुके हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज में क्या होने वाला है, जितनी भी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हैं, कंपनीज हैं, बहुत सारे फैक्ट्रीज सिर्फ इन मजदूरों की वजह से चल रही हैं। अब ये मजदूरी वापस अपने घर चले गए तो व्हाट विल हैपन, फैक्ट्रीज दोबारा से कैसे चलेंगी, इट विल टेक सम टाइम। ओके, नाउ ये बात तो समझ में आ गई हमें। दूसरी चीज ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, दिस थिंग, मैं इसके बारे में थोड़ा सा रिसर्च कर रहा था कि व्हाट इज गोइंग टू हैपन आफ्टर कोरोना, और ये द guardian.com करके एक वेबसाइट है, वहां पर अगर आप देखेंगे तो वहां पर बहुत क्लियरली इसके बारे में लिखा हुआ है, वी कांट गो बैक टू नॉर्मल बिफोर कोरोना, मतलब दुनिया अब दो भागों में बंटने वाली है, दैट इज बिफोर कोरोना
एंड आफ्टर कोरोना। पहली बात तो मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, अ डिस्क्लेमर, कि मैं आपको बिल्कुल डरा नहीं रहा हूं। ओके, बीइंग इनटू नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस, और मैं पहले जॉब में भी था, लेकिन मैं आपको बस बोल रहा हूं कि लेट्स डू सम रिसर्च, हो क्या रहा है मार्केट में। तो जितने भी बड़े बड़े एडवाइजर्स हैं, चाहे वो फाइनेंशियल एडवाइजर हो, चाहे वो लाइफ से रिलेटेड, चाहे वो इवन सदगुरु हो, चाहे कोई भी हो, एवरीबडी हैज वन थिंग, सबकी बातों में एक चीज दिख रही है, वो ये दिख रही है कि अब तक हम जैसे जीते आए हैं, नाउ दिस इज गोइंग टू बी अ न्यू नॉर्मल। अब कोरोना के बाद वाला टाइम एक नया नॉर्मल होने वाला है। एवरीथिंग, द वे वी आर लिविंग, द वे वी आर थिंकिंग, द वे द इंटायर लाइफ स्टाइल इज नाउ गोइंग टू बी चेंज्ड। अगर आप इसको पूरा पढ़ेंगे तो जस्ट थोड़ा सा रिसर्च करिएगा, लेट्स नॉट फोकस ऑन जॉब या बिजनेस एंड ऑल दोस थिंग्स, लेट्स फोकस ऑन वेयर द वर्ल्ड इज गोइंग। ओके, सब कुछ चेंज होने वाला है भाई। अब कितना क्या इंपैक्ट होगा, देखिए आज से कुछ सालों पहले 9/11 हुआ था, 9/11 अमेरिका में कुछ बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे, पूरा ट्विन टावर तोड़ दिया था। उसके बाद बहुत सारे चेंजेस हुए थे अमेरिका के बहुत सारे पॉलिसीज में। सिमिलरली कोरोना वायरस की वजह से दिस इज गिविंग अ ग्लोबल इंपैक्ट। पहली बार ऐसा हो रहा है कि पूरी दुनिया में हर कुछ बंद है और इंसान घर पे बैठा हुआ है। दिस इज गोइंग टू गिव अ वेरी वेरी मेजर इंपैक्ट ऑन ग्लोबल थिंग्स ऑल्सो। अगर आप कहीं ट्रेवल भी करेंगे, देर मतलब मास्क लगाओ, ये लगाओ, नाउ मास्क इज नाउ गोइंग टू बी अ न्यू हेलमेट। ओके, चलान कट जाएंगे भाई। तो खैर बहुत सारी चीजें। नाउ नेक्स्ट, एक और कुछ एनालिसिस करते हैं। स्टैटिस्टा करके एक वेबसाइट है, अगर उसका हम देखें तो पिछले कुछ दिनों में, ओके, ये जो वायरस का जो लॉकडाउन का जो टाइम चल रहा है, इसकी वजह से नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार, आपको शायद थोड़ा छोटा छोटा दिख रहा होगा, बट कोई बात नहीं, नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार और जितनी भी एंटरटेनमेंट से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं, इन सब चीजों में लोगों ने बहुत रुपया इन्वेस्ट किया है। ओके, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, पीपल आर जस्ट, इवन लोग बहुत सारे, इवन गेम्स, जो ऑनलाइन गेम्स हैं, जो कि 1,000, 2,000, 3,000, 5,000 रुपए के गेम्स लोग डाउनलोड कर रहे हैं, खरीद रहे हैं लोग गेम्स, क्योंकि टाइम पास करना है। एप्पल म्यूजिक, स्पॉटिफाई, ओके, सो ये कुछ सर्विसेज फ्री भी हैं, कुछ सर्विसेज पेड भी हैं, बट पीपल आर एक्चुअली स्पेंडिंग देयर मनी ऑन एंटरटेनमेंट मेनली। ओके, एंड दिस इज, और एक और स्टैटिस्टिक के अकॉर्डिंग ये भी था कि पीपल जो इतने स्किलफुल थे, इवन ऐसा भी हो रहा है कि जो आई थिंक रोहित शर्मा और कौन बता दी इंस्टाग्राम पे, जो रोहित शर्मा ने, हमारे जो क्रिकेट खेलते हैं रोहित शर्मा और एक दो जो भी आई थिंक ईशांत शर्मा कौन थे, तो वो लोग इंस्टाग्राम पे लाइव चैटिंग भला बातचीत कर रहे थे, तो इवन उनकी बातों से भी ऐसा रहता था कि भाई हम तो भूल ही गए बैटिंग कैसे करनी है। तो जो लोग किसी भी स्किल्स में एक्सपर्ट थे, ओके, जो अपनी जॉब भी नहीं जा पा रहे, जो भी अपने काम नहीं कर पा रहे, इवन दे हैव टू अगेन रीलर्न मैनी थिंग्स। ओके, स्किल्स लोग भूल रहे धीरे धीरे करके, बिकॉज पीपल आर नाउ वेरी मच फॉन्ड ऑफ एंटरटेनमेंट। अगर ये सब चीजें हम समझ गए कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ रहा है और दिस इज नाउ गोइंग टू बी न्यू नॉर्मल, एंड योर स्टोरी, एक वेबसाइट है जिसको मैं बहुत ज्यादा देखता हूँ, योर स्टोरी इज अ वेबसाइट, मैं आप सभी लोगों को बोलूंगा, just save this yourstory.com, इसको जरूर देखिएगा, yourstory.com। अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे पता चलेगा कि देर आर मैनी मैनी यंगस्टर्स, देर आर मैनी मैनी स्टार्टअप्स जो कि स्टार्टअप्स खोल रहे हैं, ऑल कुछ ऐसे स्टार्टअप्स खोल रहे हैं जो कि सब कुछ घुमा फिरा के इसी चीज पे लेके जा रहे हैं कि नाउ दिस इज गोइंग टू बी डिजिटल इंडिया, नॉट ओनली डिजिटल इंडिया बट डिजिटल वर्ल्ड। सो बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप्स खोल रहे हैं जो कि आफ्टर कोरोना के लिए आपको हेल्प करने वाले हैं, आफ्टर कोरोना टाइम के लिए। ओके, सो मेनी वेबिनार्स, वर्कशॉप्स एंड मेनी मेनी थिंग्स आर हैपनिंग, सो जस्ट गो थ्रू दिस वेबसाइट, यू विल अंडरस्टैंड कि बिजनेस जगत कहाँ जा रहा है। ऑलराइट, चलिए बहुत सारी चीजें देख ली, और इसके अलावा इंटरनेट पर अगर देखते रहेंगे तो बहुत सारी चीजें दिखती रहेंगी। वी हैव डन सम मार्केट रिसर्च, एंड द मार्केट रिसर्च, अगर सिंपली बेसिक्स मतलब एक तरीके से सब चीजें घुमा फिरा के एक चीज अगर हम बोले, तो मिला के एक चीज बोले, तो मार्केट इज नाउ गोइंग टू बी कंप्लीटली चेंज्ड। अगर हमको अपनी जॉब हो या बिजनेस हो, वट एवर, हम किसी भी चीज में क्यों ना हो, इफ यू हैव टू सस्टेन अवर अर्निंग, कि रुपया आता रहे, इन दैट केस देयर इज ओनली वन ऑप्शन, एंड दैट इज टू अपडेट योरसेल्फ, ओनली वन ऑप्शन। अगर जॉब में भी हम हैं तो जॉब में भी अगर कंटिन्यू करना है, तो जैसे ही अब वापस आप नौकरी में जाएंगे, हालांकि वर्क फ्रॉम होम कर रहे होंगे आप, बट जैसे ही आप नौकरी में वापस जाएंगे, वॉट विल हैपन, यू हैव टू री अपडेट योरसेल्फ, बिकॉज फैक्ट्रीज, कंपनीज, प्रोसेसेस आर नाउ गोइंग टू बी चेंज्ड एट अ वेरी मैसिव लेवल, बहुत ह्यूज लेवल पे चेंजेस होने वाले हैं। ओके, सो ऑलराइट, सो अगर हमने मार्केट रिसर्च कर ली, ये सब हमें समझ में आ गया, तो लेट्स गो अहेड, जस्ट टाइप
टू ओके, पॉइंट नंबर टू ओके. अभी तक मैं मेन टॉपिक पे नहीं पहुंचा, बट वी नीड टू अंडरस्टैंड दो इनकम होती है. मार्केट रिसर्च हमने कर लिया कि दुनिया कहां जा रही है. वी हैव टू प्रिपेयर फॉर आफ्टर कोरोना फेज. ओके, नाउ जस्ट टाइप टू ओके, पॉइंट नंबर टू ओके. नाउ आई एम मूविंग टू पॉइंट नंबर थ्री. पॉइंट नंबर थ्री इज, मैं अगेन आई रिपीट, यहां पर टॉपिक तो ये है कि इज नेटवर्क मार्केटिंग बेटर देन जॉब, बट यहां पर मैं कोई कंपेरिजन नहीं करने वाला. ओके, मैं बस आपको समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ कि चल क्या रहा है. यू हैव टू डिसाइड आपको क्या लगता है, आपको जो लगता है वो डिसीजन लीजिए. ओके, नाउ नेचर ऑफ जॉब, जॉब का नेचर अगर हम देखें, क्योंकि मैंने भी पहले जॉब करी है. आई वॉज वर्किंग विद आई टी कंपनी फॉर 8 years, 8 साल मैंने जॉब करी है. तो दैट्स वाई आउट ऑफ माई एक्सपीरियंसेस मैंने कुछ अपने शब्दों में ये सब चीजें लिखी हैं. समबडी, देखिए जॉब का नेचर क्या होता है कि समबडी हैज क्रिएटेड अ सिस्टम एंड एम्प्लॉय हैज टू फॉलो इट. यही है जॉब का नेचर. ओके, जब मैंने भी एक आईटी कंपनी में जॉब करी थी एचसीएल, तो वहां पर मेरा जब इंटरव्यू हुआ, मेरे जब इंटरव्यू हुआ एचसीएल में, तो उसके बाद क्या हुआ इंटरव्यू के बाद, कि मुझे बोला गया कि आपको ये वाला प्रोजेक्ट मिल जाएगा, आपको इस ऑफिस में बैठना है, सेक्टर 125 नोएडा एचसीएल ऑफिस में आपकी सीट है, आपको इस ये वाला प्रोजेक्ट मिला और ये आपका प्रोजेक्ट मैनेजर है. ओके, सो विच मीन्स कि एम्प्लॉय नहीं डिसाइड करता, एम्प्लॉयर डिसाइड करता है कि आपको कौन सा प्रोजेक्ट मिलेगा, कौन आपका बॉस होगा, कौन आपके कलीग्स होंगे. विच मीन्स जॉब का कुछ ऐसा नेचर मैंने फील किया, कुछ ऐसा नेचर होता है कि आज आप जहां बैठे हैं, ओके, आपकी जो सीट है, आपके बगल में कौन बैठेगा ये आप डिसाइड नहीं करेंगे, लेकिन आपका एम्प्लॉयर, आपका बॉस, आपका एचआर डिसाइड करता है कि आपके बगल में कौन बैठेगा. ओके, राइट, नाउ दिस इज द फैक्ट. मैं कोई मोटिवेट नहीं कर रहा हूँ भाई, आई एम नॉट ए मोटिवेशनल स्पीकर, जस्ट आई एम जस्ट टेलिंग यू, समबडी हैज क्रिएटेड अ प्रॉपर सिस्टम. ये आपके एचआर होंगे, ये आपके मैनेजर, ये सीनियर मैनेजर, एंड नाउ यू हैव टू वर्क विद देम. आपको पसंद आए बॉस, ना पसंद आए, वी डोंट केयर. यू आर हेयर, वी विल टेल यू व्हाट यू हैव टू डू, सिंपल. ओके, डजंट मैटर कि आपको कितने स्किलफुल है, डजंट मैटर. नाउ नेक्स्ट, हाउ मच यू विल अर्न इज डिसाइडेड ड्यूरिंग इंटरव्यू. आप कितना रुपया कमाएंगे. जब मैंने जॉब में गया, या फिर आप में भी कुछ लोग होंगे, आप भी जॉब में होंगे अगर, तो आप भी इस चीज को देखते होंगे कि जब आपका इंटरव्यू हुआ, एचआर से बात हुई, सिलेक्शन हो गया, सब कुछ हो गया, फाइनली क्या होता है, कॉस्ट टू कंपनी, सीटीसी डिसाइड होता है, कॉस्ट टू कंपनी. एंड कॉस्ट टू कंपनी में एक पूरा पैकेज डिसाइड होता है, पूरा एनुअल पैकेज कितना होगा आपका, है ना. तो एनुअल पैकेज जॉब में जाने से पहले डिसाइड होता है कि आपकी मंथली सैलरी, एनुअल सैलरी कितनी होगी. मान लीजिए आपकी मंथली सैलरी 50,000 रुपए है, अब आपने जॉब के लिए दस्तखत कर दिए, ओके, सिग्नेचर कर दिया, वाह यार 50,000 रुपए महीना आएगा भाई, बढ़िया, है ना. लेकिन अब ध्यान रखिएगा, ये पूरे एक साल तक अब आपको 50,000 रुपया ही आएगा. नाउ हाउ मच यू विल अर्न इज डिसाइडेड ड्यूरिंग द इंटरव्यू. इट डजंट मैटर कि आप 50,000 रुपए का काम करें या उससे ज्यादा काम करें, इट हैज नो कनेक्शन विद हाउ मच यू आर वर्किंग. यहाँ पे डिसाइड होता है कि कितना रुपया कमाओगे, यहाँ पे ये डिसाइड नहीं होता है कि इस इतना कमाने के लिए कितना काम करोगे. काम कितना कर रहा है ये तो आपका बॉस डिसाइड करता है, करेक्ट. इसमें कोई भी गलत बात तो नहीं है, मैं बिल्कुल सही बात बोल रहा हूँ. डू यू एग्री विद मी, जस्ट टाइप एग्री. ओके, सो यू एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू डिसाइड हो जाता है, वो चेंज नहीं होता. एक साल का अप्रेजल का वेट करना होगा उसको चेंज करने के लिए. थर्ड पॉइंट, जॉब का नेचर है ये. जॉब इज ओनली वन सोर्स ऑफ इनकम. ये सिर्फ एक सोर्स ऑफ इनकम है. क्या कभी ऐसा होता है कि आपने जॉब स्टार्ट करी और आपको ये बोला जाता है कि अच्छा आपने सिग्नेचर करा और आपको एक प्रोजेक्ट मिल गया, तो आपको प्रोजेक्ट नंबर 1 से भी रुपया कमा रहे हैं, प्रोजेक्ट नंबर 2 से भी कमा रहे हैं, 3 से भी कमा रहे हैं, 4 से भी कमा रहे हैं? नहीं, ऐसा तो नहीं होता. आपको एक फिक्स सैलरी मिलती है, भले ही आपको 4-5 प्रोजेक्ट दे दिया जाए, ओके, बेस्ड ऑन योर स्किल्स, बेस्ड ऑन योर जो भी आपका लेवल है वहां पे, लेकिन आपको इनकम तो एक ही मिलती है ना. वो एक बहुत ही डिफरेंट सिचुएशन होती है जब आप एक बहुत ही हाई लेवल पे होते हो, जहां पे इंसेंटिव बेस्ड भी काम होता है, दैट इज आल्सो ओके, बट अल्टीमेटली इट इज वन सोर्स ऑफ इनकम, करेक्ट. तो इट इज वेरी रिस्की, क्योंकि अगर वो एक सोर्स ऑफ इनकम गई, अगर अभी जो भी लॉकडाउन का टाइम है या फिर आगे जो भी टाइम होने वाला है, बट अगर किसी भी वजह से अगर जॉब गई, तो जो इनकम जो आ रही है वो भी गई, सिंपल. अगर आप कैपेबल नहीं है अभी जॉब करने के, अगर आपके पास कोई ऐसी स्किल्स हैं जो कि हमारे आपके एम्प्लॉयर को चाहिए ही नहीं, रिक्वायरमेंट ही नहीं आपकी, जॉब गई, दैट्स इट, जीरो, एब्सोल्युटली जीरो. नाउ थर्ड और फोर्थ पॉइंट, लेस कंट्रोल ओवर योर करियर ग्रोथ. अब आप कहां जाना चाहते हैं, सपोज कि यू ज्वाइंड एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर
एंड लेटर ऑन आप चाहते हैं कि यार मैं अब मैनेजमेंट में जाना चाहता हूँ, या मैं अब डिजाइनर बनना चाहता हूँ, या मैं अब कुछ और बनना चाहता हूँ, वॉट एवर, आप चाहे कुछ भी बनना चाहते हो, बट यू हैव वेरी लेस कंट्रोल कि आप अपने करियर को कहाँ लेके जाना चाहते हैं. हो सकता है कि आपको मैनेजमेंट पसंद हो, आप टेक्निकल आदमी हैं लेकिन आपको मैनेजमेंट में जाना हो, बट यू यू हैव वेरी लेस कंट्रोल ऑन इट. आपको इसके लिए बहुत सारी पॉलिटिक्स और बहुत अलग अलग टाइप की चीज हरकतें करनी होंगी, लेकिन नाउ द थिंग इज योर एम्प्लॉयर एंड योर हायरार्की जो भी है, दैट दोस पीपल विल डिसाइड कि आपको क्या काम मिलेगा, ओके, बेस्ड ऑन योर स्किल्स. नेक्स्ट पॉइंट, सीम्स सिक्योर. ऐसा लगता है कि जॉब बड़ी सिक्योर है और स्टेबल है, बट मैं आपको बता रहा हूँ कि इट इज एक्चुअली वेरी रिस्की. इट लुक्स लाइक वेरी सिक्योर, वेरी स्टेबल, ओके, बट इट इज वेरी रिस्की. जब मैंने जॉब स्टार्ट करी थी नोएडा में, और मुझे ऐसा, मैं आपको बता रहा हूँ, जब मैंने नोएडा में, मैं वैसे देहरादून से बिलोंग करता हूँ, तो नोएडा में जब मेरी जॉब लग गई थी, तो नोएडा के पास है लक्ष्मी नगर में मैंने एक पीजी में मैंने एडवांस दे दिया था. जब देखिए एडवांस में जाता है ना, जब आप पीजी में रहते हो, तो मैंने वहाँ पे एडवांस रुपये दे दिए थे. वन मंथ का एडवांस दे दिया था और वन मंथ का रेंट दे दिया था. लेकिन हुआ क्या कि मुझे सिर्फ 10 से 15 दिन के अंदर ही मुझे कंपनी ने बोला कि आपको चेन्नई जाना था, तुरंत चेन्नई. तो मैंने जो वो एडवांस दे दिया था, मैंने वो जो रेंट दे दिया था, अब मैं मना नहीं कर पाया. जैसे मैंने अगर मना किया कि भाई मुझे चेन्नई नहीं जाना, तो क्या होगा भाई, जॉब पे प्रॉब्लम हो सकती है ना. तो सोचिए कितना रुपया मेरा उस टाइम पे वेस्ट हुआ. मैंने एक मेरी नौकरी लग चुकी थी, मेरी सैलरी आ रही थी, लेकिन सैलरी आने के बाद यू हैव वेरी लेस कंट्रोल अपॉन कि आप कहाँ काम करना चाहते हैं, कहाँ जाना चाहते हैं. यू हैव वेरी लेस कंट्रोल ऑन दिस थिंग्स. सो I felt, हालांकि मजा आ रहा था उस टाइम पे, चाहे बहुत अच्छी कंपनी होती, इतनी जल्दी आपको कोई निकालता नहीं है आपकी आपके जॉब में से. इट फील्स लाइक सिक्योर एंड स्टेबल, बट एक्चुअली इट इज वेरी रिस्की इन लॉन्ग टर्म अगर मैं बात करूँ तो. विथ प्रोग्रेस इन करियर ग्राफ, मोर रेस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स लेस लाइफ वर्क लाइफ बैलेंस. जब हम नए नए बिजनेस, नए नए जॉब में जब आते हैं ना, तो बड़ा अच्छा लगता है कि बहुत कम रेस्पॉन्सिबिलिटीज होती है इसलिए. बट जैसे 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 ऐसे हमको रेस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है जॉब में, क्या होता है, वर्क लाइफ बैलेंस बहुत ज्यादा कम, मतलब बैलेंस बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है. बिकॉज ज्यादा बड़ी टीम, ज्यादा ज्यादा एम्प्लॉयज अगर आपको रिपोर्ट कर रहे होते हैं, तो आपको ऑफिस पहले आना पड़ता है. एंड यू विल बी ऑलवेज योर, मतलब एक तरीके से मैं देखता था कि मेरे मैनेजर के मैनेजर हमेशा फोन पे और हमेशा लैपटॉप पे लगे रहते थे. कभी इसका रिप्लाई कर रहे हैं, कभी इस ईमेल का रिप्लाई कर रहे हैं. दे आर ऑलवेज ऑलवेज, कहने के लिए जॉब 9 घंटे की थी, वो 12-24 घंटे की जॉब हो चुकी थी. ओके, नाउ नेक्स्ट. नेक्स्ट इज कंसिस्टेंटली एन एम्प्लॉई हैज टू अपडेट स्किल. अगर एक एम्प्लॉय को अपने अपनी नौकरी को सस्टेन करना है, जैसे मैंने आपको बोला कि अब बहुत सारी चीजें चेंजेस हो रहे हैं मार्केट में, तो यू हैव टू कंसिस्टेंटली अपडेट योर स्किल्स इफ यू हैव टू सस्टेन, एंड दिस इज एन एक्टिव इनकम सोर्स. सिंपल बात है. ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड, दिस इज द नेचर ऑफ जॉब. ये जॉब का नेचर है, मैंने बस आपको नेचर बताया, और आप इस बात से आई होप यू विल एग्री विद मी. यहाँ पे मैं कोई भी नेगेटिव बात नहीं बोल रहा हूँ, एंड इन दिस इंटायर वेबिनार आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू कि जॉब बेकार है, बिजनेस में आ जाओ. नो, यू हैव टू डिसाइड इट, बट दिस इज द नेचर ऑफ जॉब. ऑलराइट, इफ यू एग्री विद मी जस्ट टाइप आई एग्री, एंड जस्ट टाइप 3 ओके. अगर पॉइंट नंबर 3 आपके लिए ओके है, तो जस्ट टाइप 3 ओके, एंड नाउ आई एम गोइंग टू मूव टू पॉइंट नंबर 4. Now let's understand the nature of network marketing business. ये तो हो गई दुनिया, नौकरी की दुनिया, ये है business की, network marketing business की दुनिया. अब आपको decide करना है कि आपको कौन सी दुनिया में जाना है, आपको कौन सी दुनिया attractive लग रही है, आपको कौन सी दुनिया सिर्फ attractive ही नहीं, meaningful लग रही है आपके लिए in long term, आगे आने वाले time के लिए. Okay, fine. तो nature of network marketing business, अब इसमें एक एक करके देखते हैं. Okay, सबसे पहली चीज, इट इज नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस इज जस्ट लाइक बींग अनसैलरीड एम्प्लॉय. अब मैंने ऊपर लिखा था सैलरी में, मतलब एक जॉब में क्या होता है, किसी ने एक सिस्टम क्रिएट किया और आपको जस्ट फॉलो करना है. नाउ यहां पर क्या होता है, दिस इज जस्ट लाइक एन अनसैलरीड एम्प्लॉय. इसका मतलब क्या हुआ, यहां पर भी हम एक कंपनी के साथ एसोसिएटेड होते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग में भी वी आर एसोसिएटेड विद अ कंपनी, लेकिन जहां पर एक ऐसी कंपनी के साथ हम लोग एसोसिएट होते हैं जहां पर सिस्टम पहले से बना हुआ है, प्रोडक्ट पहले से रेडी है, ट्रेनिंग एंड सपोर्ट सिस्टम पहले से रेडी होता है, लेकिन यहाँ पे हम लोग डिसाइड करते हैं कि हमको कितना कमाना है. राइट, यही बात है फैक्ट. यहां पर भी सब कुछ पहले से बना हुआ है, लेकिन वी डिसाइड हु विल बी अवर अपलाइन, वी डिसाइड हाउ मच वी वॉन्ट टू अर्न, वी डिसाइड ऑल दीज थिंग्स. बट सिस्टम और जो भी सरदर्दी वाले काम है, एम्प्लॉय मैनेजमेंट करना, सब चीजें करना, देर इज नो बॉस एट ऑल,
कोई यहाँ पे बॉस नहीं है, कोई किसी को आपके ऊपर चढ़ के कुछ नहीं बोल सकता, एंड आप इवन आपके डाउनलाइन अपलाइन के जो कॉन्सेप्ट होता है नेटवर्क मार्केटिंग में, नो बडी एवरीबडी हैज देयर ओन बिजनेस, हर किसी का ही अपना अपना बिजनेस है. ओके, नाउ दिस इज अ प्योर बिजनेस, जो जितना काम करेगा उतना रुपया कमाएगा, बात खत्म. ओके, नेक्स्ट, ये ऐसे ही है. नेक्स्ट इज, डू वी हैव टू सेल प्रोडक्ट. अब क्वेश्चन ये भी होता है, सबसे बड़ा एक मिथ होता है जो नेटवर्क मार्केटिंग में एक एम्प्लॉय सोचता है कि यार नेटवर्क मार्केटिंग में अल्टीमेटली तो प्रोडक्ट बेचना ही पड़ेगा ना, वो भी प्रोडक्ट किसी और का. तो मैं आपको बता दूं, नो, वी आर इन अ बिजनेस ऑफ एजुकेशन. नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस, मैं आपको सही बताऊं तो मैं खुद नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को स्टार्टिंग में बिल्कुल नहीं समझ पाया था. जब मैं नौकरी में था, जब मैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट था, नाउ व्हेन आई एम इन नेटवर्क मार्केटिंग, आई स्टार्टिंग में आई जस्ट हैड दिस परसेप्शन कि यहाँ पे बस मुझे एक प्रोडक्ट मिल गया, उस प्रोडक्ट की जानकारी लो, लोगों को प्रोडक्ट बताओ और लोगों को माल बेचो, रुपया कमाओ. बट नो, वी आर इन अ बिजनेस ऑफ एजुकेशन मार्केटिंग, वी आर इन टू नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस. और नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में हमको करना क्या होता है, मार्केटिंग. मार्केटिंग एंड सेल्स, ये दोनों चीजें डिफरेंट होती हैं. सेल्स इज डिफरेंट, मार्केटिंग इज डिफरेंट. वी आर नॉट इन द सेल्स डिपार्टमेंट, वी आर इन टू मार्केटिंग. ओके, नाउ मार्केटिंग का मतलब यही होता है, टू एजुकेट द प्रोस्पेक्ट. व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू इज, आई एम एजुकेटिंग यू, आई एम ट्राइंग टू एजुकेट यू, सो दैट कुछ चीज जो आपको पता ही नहीं, कोई ऐसी चीज है जो आपको पता ही नहीं इसके बारे में, मैं आपको बता रहा हूं और फिर आपको डिसाइड करना है कि आपके काम की है कि नहीं. ओके, सो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस इज ऑल अबाउट प्रोवाइडिंग एजुकेशन, दैट्स इट. हम लोग वेबिनार करते हैं, सेमिनार करते हैं, वन टू वन मीटिंग करते हैं, व्हाइट पेपर पे डिजाइन बना के गोले गोले बना के बताते हैं एक दूसरे को, है ना. बट अल्टीमेटली हम कर क्या रहे हैं, अगर ध्यान से देखें तो हम सिर्फ दूसरे आदमी को जानकारी देते हैं, फिर तो दूसरा आदमी बताता है भाई करना है कि नहीं करना है, वो बताएगा भाई करना है कि नहीं, राइट. सो नो नीड टू सेल प्रोडक्ट, हालांकि प्रोडक्ट बेच के ही रुपया आता है, बट हमारा प्रोफाइल है टू एजुकेट द प्रोस्पेक्ट. नेक्स्ट इज, इट इज बिजनेस ऑफ मल्टीप्लीकेशन, इट इज अ बिजनेस ऑफ मल्टीप्लीकेशन. जॉब इज डिफरेंट थिंग, नेटवर्क मार्केटिंग इज डिफरेंट थिंग. मल्टीप्लीकेशन किस चीज का मल्टीप्लीकेशन, इट इज अ मल्टीप्लीकेशन ऑफ स्किल्स, मनी, टाइम एंड एफर्ट. जब भी हम मल्टीप्लीकेशन सोचते हैं कि यार नेटवर्क मार्केटिंग मल्टीप्लीकेशन ऑफ ओनली मनी है, मनी से थोड़ा सा हटके कुछ और भी सोचते हैं ना, इट इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ स्किल्स. सपोज कि मुझे यूट्यूब मार्केटिंग आती है, एग्जाम्पल मुझे आती है वेबिनार के थ्रू कैसे रिक्रूट करते हैं, मुझे ये आता है सपोज. लेकिन अगर मान लीजिए मेरी टीम में एक ऐसा पर्सन है जिसको लिंक्डइन मार्केटिंग आती हो, किसी के टिकटॉक में 1 मिलियन फॉलोअर्स हैं सपोज, किसी के लिंक्डइन में 5,000 लिंक्स हैं नेटवर्क में, ओके, किसी के इंस्टाग्राम पे अगर 20,000 फॉलोअर्स हैं, तो अगर वो सब लोग मेरी डाउनलाइन में आते हैं तो मेरे भी इंस्टाग्राम पे 20,000 फॉलोअर्स हो गए, मेरे भी टिकटॉक में 1 मिलियन हो गए, करेक्ट. सो इट इज ऑल अबाउट मल्टीप्लीकेशन. तो दूसरों की स्किल्स, हालांकि वो स्किल्स अपने लिए आजमा रहे हैं वो सारी स्किल्स, ओके, बट दूसरों की स्किल्स से जो भी बिजनेस बिल्ड हो रहा होता है उसका मल्टीप्लीकेशन मेरे भी हो रहा होता है. तो देयर इज नो नीड टू लर्न ईच एंड एवरीथिंग, हायर दोज पीपल हु नो दीज थिंग्स, मतलब उनको रिक्रूट करिए अपनी टीम में, एंड अल्टीमेटली दे विल वर्क फॉर देम सेल्फ एंड यू विल अर्न मनी. सो इट इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ स्किल, मनी, टाइम. अब टाइम से आई होप यू इट इज वेरी easy to understand, time का मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ. अगर 10 लोग हैं टीम में, हर कोई अगर 5-5 घंटे भी काम कर रहा है तो 50 घंटे काम हो जाता है, वो लेकिन अपने लिए काम कर रहे हैं, बट इट इज योर नेटवर्क एंड इट इज ऑल अबाउट एफर्ट ऑल्सो. ओके, मान लीजिए कि एफर्ट का मल्टीप्लीकेशन कैसे हो रहा है, सेम जैसे टाइम का मैं बोल रहा हूँ, कि अगर मैं अगर एक वेबिनार दे रहा हूँ और 100 लोगों को अगर एक अपनी अपॉर्चुनिटी समझा रहा हूँ, उसी टाइम पे मेरी टीम में अगर 10 लोग और अपना अपना खुद का वेबिनार कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि 100 लोगों को मैं दे रहा हूँ, बट 100 नहीं, 100 100 100 100, हर कोई अपना अपना काम कर रहा है, एंड दैट इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ द एफर्ट ऑल्सो. ओके, सो दिस, ये है नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया. नेटवर्क मार्केटिंग ऐसा ही है. नेटवर्क मार्केटिंग सिर्फ वैसे मत सोचिए कि बस 2 जोड़ो 5 जोड़ो गोले बनाओ, गोले गोले गोले, नहीं नहीं गोले नहीं, यहाँ पे और भी बहुत सारी चीजें हैं भाई. ओके, नाउ नेक्स्ट, इट सीम्स रिस्की. ऐसा लगता है कि ओह, नेटवर्क मार्केटिंग में कुछ ही लोग सक्सेसफुल होते हैं भाई, ऐसा आपको लगता है कि नहीं? आई एम आस्किंग यू, जस्ट टाइप यस और नो. इट फील्स लाइक रिस्की, कुछ ही लोग सक्सेसफुल होते हैं, जो लोगों ने पहले ज्वाइन कर लिया बस वो लोग रुपये कमाते हैं, बाकी जो नए लोग हैं वो तो रुपया कुछ कमाते ही नहीं. बट इट इज एक्चुअली मच मोर सिक्योर देन एनी अदर अर्निंग वेज, बाकी के जो भी जितने भी अर्निंग वेज हैं उससे ज्यादा सिक्योर है ये. यू नो वाई, जस्ट टाइप वाई इफ यू वॉन्ट टू नो वाई. मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि ये ज़्यादा सिक्योर है,
यू वॉन्ट टू नो वाई, जस्ट टाइप वाई. लगता है रिस्की है, मुझे भी ऐसा लगता था कि बड़ा रिस्की है, जो जिनको मैंने ज्वाइन किया उनके अपलाइन अपलाइन, बस वो लोग रुपया कमाते रहेंगे और हम लोग बस काम करते रहेंगे. नो नो नो. ओके, दिस इज बिकॉज बिजनेस इज नॉट रिस्की, बट बिल्डिंग बिजनेस विद अनएजुकेटेड माइंडसेट, यस, तब ये रिस्की होता है. देर आर डिफरेंट लेवल्स ऑफ बिल्डिंग नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस, और अक्सर पहला लेवल नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस का जो होता है, पहला भी मैं नहीं बोलूंगा बल्कि जीरो लेवल बोलूंगा, दैट इज जब एक नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में कोई बंदा आता है आउट ऑफ ओनली मोटिवेशन. बिकॉज ऑफ ओनली मोटिवेशन, इफ ए पर्सन जॉइंस नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस, इट मीन्स दैट पर्सन हैज मोटिवेटेड माइंडसेट, नॉट एजुकेटेड माइंडसेट. वो थोड़ा सा रिस्की हो जाता है, जहां पे वो रात की नींद उसकी उड़ जाती है, रात को भी बस वो यही सोचता रहता है कि अब मैं इसको जोड़ूं, उसको जोड़ूं, उसको जोड़ूं. ओके, लेकिन वंस वी बिल्ड दिस बिजनेस विद स्किल्स, उसको बोलते हैं एजुकेटेड माइंडसेट. जब हम एजुकेटेड माइंडसेट से इस बिजनेस को बिल्ड करते हैं, इसकी बारीकी समझ के, कि आज हमने अगर बीज बोया है ना, तो आज खाना नहीं मिलेगा भाई, 3-4-5 महीने, 1-2 साल भी लग सकता है. सो समबडी जो नेटवर्क मार्केटिंग में नया नया आता है, लोग उससे पूछते हैं, उसका दोस्त उससे पूछता है कितना रुपया कमा रहे हो. ओके, कितना रुपया कमा रहे हो, अपनी अचीवमेंट दिखाओ, तभी मैं तुमको ज्वाइन करूंगा. ओके, सो दिस इज एब्सोल्युटली एक तरीके से ये क्वेश्चन वही हो गया कि दुकान खोल ली, कितना रुपया कमा लिया. इट टेक्स टाइम, इट सिंपली टेक्स टाइम. ओके, सो इट इज बिजनेस, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस इज नॉट एट ऑल रिस्की, बिकॉज देयर आर मेनी मेनी पीपल इन योर नेटवर्क. इवन आप तो काम कर ही रहे हैं, आपके नेटवर्क में इतने सारे लोग काम कर रहे हैं, तो सिंपल सी बात यह है कि एक जगह से 100 रुपए कमाने से अच्छा है कि 100 जगह से 1-1 रुपया कमा ले. आज आपकी टीम में एक पर्सन छोड़ के चले गया, तो क्या कुछ ज्यादा फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, अगर आपको अपनी स्किल्स पे भरोसा है और टीम में और भी लोग हैं. तो इट इज अ मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम. ओके, जैसे मैंने अभी आपको बोला, एक जगह से 100 रुपए कमाओ या 100 जगह से 1 रुपया कमाओ, 100 जगह से 1 रुपया कमाना ज्यादा सेंसिबल है, ज्यादा रिस्क फ्री है. ओके, रिस्क फ्री. नेक्स्ट, ये है नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया जहां पे इन्वेस्टमेंट नहीं है यहाँ पर. अब ये एक बहुत बड़ा एक डर होता है कि यह नेटवर्क मार्केटर बड़ी प्यारी प्यारी बातें कर रहा है, बहुत ही घुमा फिरा के भी बातें कर रहा है कुछ, और सीधी सीधी बताओ भाई यहाँ पे रुपया कितना लगाना पड़ेगा. अक्सर लोग ऐसे ही पूछते हैं, यार ये सब तो ठीक है भाई, मैं समझ गया भाई, तुम ये सब छोड़ो भाई, ये बताओ रुपया कितना लगेगा यहाँ पर. मैं आपको सिंपल से बोल रहा हूँ, यहाँ पे रुपया लगेगा ही नहीं. क्या आप, अगर मान लीजिए आप एक ऐसा बिजनेस खोले जो कि खाने पीने का हो, सपोज डोमिनोज पिज्जा, मान लीजिए आपने डोमिनोज पिज्जा खोला और आपको अगर पिज्जा खाने का मन है, तो क्या पिज्जा हट से खाएंगे क्या? हाँ, क्वेश्चन है मेरा ये, क्या पिज्जा हट से खाएंगे क्या? ये अपना अपने अपने जो आपके वहां पे जो पिज्जा बनी रहा है, तो क्या आप कहीं और से खाएंगे? नो. अगर ऑलरेडी आपने एक बिजनेस स्टार्ट किया जिस बिजनेस में कुछ प्रोडक्ट्स हैं, क्या आप अपने घर पे वही प्रोडक्ट्स किसी और कंपनी के यूज करेंगे क्या? क्यों करेंगे भाई, ये तो बिल्कुल ही इनसेंसिबल सी बातें हैं. There is no investment. There is only an assignment. यहाँ पे एक assignment होता है, क्योंकि आप एक signature करते हैं यहाँ पे network marketing में, एक signature करके multiple countries में business चालू कर लेते हैं, कोई license की जरूरत नहीं, कोई कुछ नहीं, है ना? तो यहाँ पर कम से कम अपने खुद के product use करेंगे. अगर आप हल्दीराम्स के owner हैं, आपको खुद नहीं पता है कि आपका मसाला डोसा कैसा है, तो लोगों को क्या बताएंगे मसाला डोसा हमारा अच्छा है? कैसे बताएंगे भाई आपका मसाला डोसा अच्छा है? मुँह में पानी आ गया क्या? मुँह में पानी आ गया, मेरे मुंह में पानी आ रहा है. तो सिमिलरली रस मिलाई और जो भी अपने तो खाएंगे तभी तो बताएंगे. तो डोंट थिंक दि नेटवर्क मार्केटिंग में आने के लिए 25-30-50 हजार रुपए का इन्वेस्टमेंट है. मैं आपको बोल रहा हूँ कि जिस फोन से, जिस लैपटॉप से आप इस वेबिनार को सुन रहे हैं, उससे कम इन्वेस्टमेंट में बिजनेस चालू हो जाता है. व्हाई आर यू थिंकिंग लाइक दिस की कितना रुपया लगेगा, कितना रुपया लगेगा? और दूसरी चीज, कोरोना वायरस की वजह से मेरे पास रुपया नहीं है, कोरोना वायरस की वजह से नहीं मेरे पास, अभी हम इन्वेस्ट नहीं करना चाहेंगे, अभी थोड़ा सा ना किल्लत का टाइम चल रहा है, अभी ये वायरस को हट जाने दो. मैं आपको बोल रहा हूँ कि नो वायरस कैन स्टॉप योर स्पीड. क्या एक वायरस आपकी स्पीड को स्लो कर देगा? वायरस की वजह से दो चीजें हो सकती हैं, या तो आप मर जाएंगे या फिर वायरस मर जाएगा. करेक्ट, यही दो चीजें हो सकती है ना भाई, या तो वायरस मर जाएगा या फिर आप मर जाएंगे. अगर आप मर जाएंगे तो फिर तो कोई कुछ नहीं कर सकता इसमें, तो भाई जब तक है अपना एंजॉय करिए लाइफ को, है ना? लेकिन अगर वायरस मर गया, तो क्या ये 3-4-5 महीने, हो सकता है पूरा 1 साल निकल जाए ऐसे ही, क्या 3-4-5 महीने 1 साल क्या आप ऐसे बैठे रहेंगे? क्या ये पूरा टाइम वेस्ट कर देंगे अपना? क्या लगता है कोरोना वायरस जैसे हट जाएगा उसके बाद सिचुएशन अच्छी होगी, उसके बाद सिचुएशन और खराब होगी?
बिकॉज हर कोई एंजाइटी से जूझ रहा होगा. अगले 3-4 साल लोग एंजाइटी से जूझेंगे कि क्या करें, रुपया नहीं है मार्केट में. मार्केट में रुपया है कि नहीं वो अलग बात है. अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि क्या मतलब हाउ मच टू इन्वेस्ट इन दिस बिजनेस. ये सबसे बड़ा एक रोड ब्लॉक, मेंटल ब्लॉक होता है लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस मानने से. क्या हमने जब नौकरी मैंने जब नौकरी स्टार्ट करी थी, जब मैं आपको ऑब्वियसली अगेन मैं मोटिवेशनल टोन में नहीं जाना चाहता, मैं बोल रहा हूँ कि जब मैंने नौकरी स्टार्ट करी थी और जब मुझे नोएडा से चेन्नई भेज दिया गया और जो मैंने वहां पे पीजी में आई थिंक 20,000 रुपए मैंने उसको दे दिए थे, लगभग 18,000 से 20,000 रुपए मैंने दे दिए थे पीजी वाले को, और सिर्फ 10 दिन रहा उसके बाद मुझे चेन्नई भेज दिया गया. फिर चेन्नई में अलग से मैंने उसको वहां पे पीजी के रुपए दिए, तो क्या वो मेरा रुपया वेस्ट नहीं हुआ क्या? वो तो रुपया वापस भी नहीं आ सकता. बट नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है, हमें तो उल्टा पलट के, हमें तो कोई यहाँ पे इन्वेस्टमेंट क्या है, यहाँ पे तो पलट के हमें प्रोडक्ट्स ही मिलते हैं ना. ओके, क्या यहाँ पे कोई हमें रेंट पे कुछ लेना पड़ता है? देयर इज नो इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायर्ड. जहां बैठे हैं वहीं से बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं. ओके, सो नो इन्वेस्टमेंट. सबसे पहले तो ये, अगर आप एक प्रोस्पेक्ट हैं और आपको ये लगता है कि यार नेटवर्क मार्केटिंग नहीं 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 मेरे पास 25,000-30,000 रुपए नहीं है अभी, तो मैं आपको बता दूं कि आपके पास रुपए हैं कि नहीं, दिस हैज नो कनेक्शन विद योर वॉलेट, इट हैज फुल कनेक्शन विद योर माइंडसेट. अगर आपको चीज समझ में आ रही है देन यू विल डू इट, अगर आपको नहीं समझ में आ रही यू विल नॉट डू इट. जॉब इज जस्ट लाइक अ ब्रेड कि भूख मिटा लो, बस अभी बस भूख मिटा लो. बट नेटवर्क मार्केटिंग इज अ सीड. आज अगर एक सीड बोएंगे, मैं आपको बता दूं दिस इज मच पावरफुल देन एनी लाइफ इंश्योरेंस. दिस इज मच 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 पावरफुल देन एनी लाइफ इंश्योरेंस. आज का बीज बोया हुआ आपके सभी घर वालों को आगे आने वाले टाइम में फल भी देगा, आप और उन सब लोगों को कड़ी धूप में छाया भी देगा. ओके, सो डोंट वरी अबाउट दीज इन्वेस्टमेंट्स, बिकॉज ये इन्वेस्टमेंट आप 1-2 महीने के अंदर रिकवर कर सकते हैं अगर आप घुस गए पूरे तो. एज बिजनेस ग्रोज यू गेट फ्री. ओके, जैसे जैसे बिजनेस आगे बढ़ता रहेगा वैसे वैसे आप फ्री होते रहेंगे. बट जॉब में मैं देख रहा था, अगेन आई एम नॉट कंपेयरिंग, आई एम जस्ट टेलिंग यू व्हाट आई फेल्ट. जॉब में जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता रहता, आई वॉज IT बिजनेस एनालिस्ट एंड सीनियर बिजनेस एनालिस्ट बनता, मैं और ज्यादा बिजी होते चले जाता. बट यहाँ पर एज बिजनेस ग्रोज यू गेट फ्री, यू आर इन कंट्रोल ऑफ योर करियर ग्रोथ. ओके, मान लीजिए आज अगर मेरे को अपने बिजनेस करने का स्टाइल चेंज करना है, आज मैं चाहता हूँ नहीं, मुझे ना अब ये नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस मैं पूरा ना टिकटॉक से करूंगा. अरे चलिए टिकटॉक चाइनीज आ रही है, मुझे ये पूरा नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस मैं पूरा अब मैं फेसबुक से करूंगा, मैं इंस्टाग्राम के थ्रू करूंगा, मैं वेबिनार के थ्रू करूंगा बस, तो क्या कोई आपको रोकेगा? इट्स ऑल अप टू यू, यू हैव टू डिसाइड. ओके, यू आर इन फुल कंट्रोल कि आप इस बिजनेस को, अच्छा नहीं आज नहीं नोएडा में नहीं, मैं ना चाहता हूँ कि मैं गोवा शिफ्ट हो जाऊं, मैं गोवा से काम करूंगा, तो क्या आपको कोई रोक सकता है क्या? यू कैन वर्क फ्रॉम गोवा ऑल्सो. ओके, यू डिसाइड हाउ यू वॉन्ट टू बी नोन फॉर. आप डिसाइड करते हैं कि आपको लोग कैसे जाने. ओके, यू आर इन कंट्रोल ऑफ योर करियर ग्रोथ. राइट नाउ आई हैव वेरी कॉन्शियसली अगर आप देखते होंगे, वेरी कॉन्शियसली आई हैव डिसाइडेड माई ओन डेजिग्नेशन. एज पर कंपनी मार्केटिंग प्लान मेरा डेजिग्नेशन है मैनेजर, आई एम अ मैनेजर. एज पर कंपनी मार्केटिंग प्लान आई एम इम्पैक्टिंग 3,000 पीपल जो कि मेरे नेटवर्क में है. बट आई डोंट वॉन्ट टू बी नोन फॉर ओनली मैनेजर इन अ पर्टिकुलर कंपनी, आई वॉन्ट टू बी नोन फॉर अ डिजिटल नेटवर्कर. ओके, सो दैट इज माई ओन डेजिग्नेशन. कोई मेरे से पूछता है कि हाँ जी आप कौन, तो मैं बोलता हूँ आई एम अ डिजिटल नेटवर्कर, आई एम नॉट अ मैनेजर, आई एम अ डिजिटल नेटवर्कर. बिकॉज मैनेजर सीनियर मैनेजर वॉट एवर जो भी डायमंड वायमंड जो भी चीजें होती हैं, दीज आर एज पर द मार्केटिंग प्लान. ओके, तो यू डिसाइड हाउ यू वॉन्ट टू बी नोन फॉर. यू हैव पावर टू ऑफर अपॉर्चुनिटी. जॉब में अगर मान लीजिए आपको कोई फ्रेंड आपको बोले, अरे यार भाई यार ये वायरस के चक्कर में साला जॉब से निकल गए यार, ये निकाल दिया भाई हमें जॉब से, क्या करें यार समझ नहीं आ रहा, गर्मी भी थोड़ा सा बहुत प्रॉब्लम हो गई है, लोग मतलब अजीब सा नेगेटिव सा माहौल हो गया यार, कब पता नहीं वायरस कब ठीक होगा यार. अगर आपसे दोस्त आपका आपसे कुछ इस तरीके की बातें करेगा तो क्या आपके, अगर आप खुद नौकरी में होते तो क्या उसको बोलते? ओके, तो क्या आप उसको बोलते, अरे मैं ना अपने HR से बात करता हूँ, मैं अपने मैनेजर से बात करता हूँ, भाई तो अपना रेज्यूमे भेज दे. यहाँ पर रेज्यूमे मत भेज, पैन कार्ड आधार कार्ड भेज, आज ही से बिजनेस चालू करते हैं, लगभग 25,000-30,000 रुपए से स्टार्ट होगा, जितना तेरे लैपटॉप है फोन इतने जितने का फोन या लैपटॉप आता है उससे कम में स्टार्ट हो जाएगा. ओके, और अगले 1 से 2 महीने के अंदर ये जो भी 25,000-30,000 रुपए लगाएंगे ये वापस लाएंगे, ये रुपये वापस लेकर आएंगे, और उसके आगे जो कुछ भी इस बिजनेस के अंदर होगा हमेशा प्रॉफिट में रहेंगे. ओके, इस एंगल से देख पा रहे हैं, तो लेट स्टार्ट टूडे. ओके, सो यू हैव द पावर टू ऑफर एन अर्निंग अपॉर्चुनिटी. नेक्स्ट इज
सुपर वैल्यूएबल लर्निंग फॉर लाइफ एंड बिजनेस. नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में जो भी चीजें सीखने को मिलती हैं, डू यू एग्री विद मी? जस्ट आई एग्री कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में आने के बाद आप इतना सीखे हैं, फ्री में हो या पेड हो, वॉट एवर, आप इतना सीखे हैं जो आप किसी अपने ग्रेजुएशन में कहीं पर भी नहीं सीखे होंगे. यस और नो? कितने सारे इंस्टीट्यूट हैं, आकाश इंस्टीट्यूट और ये इंस्टीट्यूट वो इंस्टीट्यूट, कितने कितने इंस्टीट्यूट हैं, कौन सी अकेडमी है, क्या क्या है, आप वहां पे कहीं इतना नहीं सीखे होंगे बिजनेस के बारे में जितना आपने यहाँ पे सीख लिया. यस yes? तो मैंने तो यहीं से सब चीजें सीखी हैं. मैंने कभी सोचा नहीं था कि फेसबुक से भी मैं कभी रुपया कमाऊंगा. मतलब फेसबुक से रुपया नहीं कमाता, फेसबुक के थ्रू लोग ज्वाइन करते हैं तो मैं रुपया कमाता हूँ ऑब्वियसली. सो बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती हैं, इवन बहुत सारे टूल्स और सब चीजें मैं क्यों सीख रहा हूँ? बिकॉज आई वॉन्ट टू बिल्ड माई नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस. नाउ नेक्स्ट इज, नेटवर्क यू बिल्ड टूडे विल गिव रिटर्न फॉर लाइफ टाइम इवन आफ्टर यू. ये एक ऐसा सिस्टम है नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया कुछ ऐसी है जहां पर आज बनाया हुआ नेटवर्क, आज अगर आपकी टीम में किसी ने ज्वाइन किया उसकी लाइफ तो सुधरेगी है ही, बट आगे आने वाले टाइम में आप अगर इस, मान लीजिए आप इस दुनिया से चले गए, मैं ऐसा बोल मतलब दुआ नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको मतलब जस्ट एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ. ओके, आई विश यू हैप्पी लाइफ एंड लॉन्ग लाइफ. बट अगर मान लीजिए आप इस बिजनेस में आने के बाद चले भी गए कुछ टाइम बाद कहीं, ठीक है, तो उस केस में क्या, योर नेटवर्क will give you returns even after you leave this, you leave, okay? आप life छोड़ के चले हैं तब भी चलता रहेगा. So this is the nature of network marketing. Now मैंने आपको बताया nature of job, अगर आप चले गए तो जो भी earning आ रही है तुरंत बात खत्म. अब wife है या husband है जो भी, उनको अपना खुद का कुछ कहीं से रुपया कमाना होगा, आप गए तो सैलरी भी गई. ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड. मैंने आपको सिर्फ दो चीजें बता दी, बाकी आप डिसाइड करिए कि आपके लिए नेटवर्क मार्केटिंग सही लग रहा है आपको या फिर क्या लग रहा है. नेटवर्क मार्केटिंग क्या फ्रॉड है और इसी चीजें नेगेटिव चीजें कुछ सोच रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं अगर ये फ्रॉड होती नेटवर्क मार्केटिंग तो अब तक नरेंद्र मोदी इनको तोड़ मरोड़ के फेंक देते अब तक नेटवर्क मार्केटिंग को. ओके, इतने कोई पागल नहीं है लोग कि जो नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर अब तक है, ये कोई फ्रॉड नहीं है. ओके, बट एक चीज बहुत श्योर है कि नेटवर्क मार्केटिंग इज नाउ गोइंग टू बी रीडिजाइंड. एंड अब आप देखिएगा बहुत जल्द नेटवर्क मार्केटिंग को लोग डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग बोलेंगे. ओके, बहुत जल्दी लोग नेटवर्क मार्केटिंग, क्योंकि अब कुछ ऑफलाइन रहा ही नहीं ना, अब तो कुछ रहा ही नहीं ना ऑफलाइन, तो बहुत सारे यंगस्टर्स आज के टाइम में रुपया कमाने के लिए दे गो टू डिजिटल मार्केटिंग. वो डिजिटल मार्केटिंग की तरफ घुस जाते हैं, अरे यार रुपया कमाना है क्या, नेटवर्क मार्केटिंग में इतना बवाल डालो, लोगों को कन्विंस करो, ये सब करो, अपना चुपचाप यूट्यूब का वीडियो बनाओ, अपना रुपया कमाओ यार, और क्या इतना आसान है, क्या कोई यूट्यूब पर रुपया कमाता? भाई मेरे को तो कोई अर्निंग नहीं आती यूट्यूब से, मुझे तो कोई अर्निंग नहीं आती. ओके, कभी कभार पूरे साल में कभी आ जाता है 4-5 हज़ार रुपए, बट कोई उससे क्या सस्टेन कर लेंगे? यूट्यूब में कोई रुपया नहीं आता. कोई लोग मोटिवेट होके कैनन का पता नहीं कौन कौन से कैमरा खरीद लेते हैं, स्क्रीन और लाइटिंग वाइटिंग और माइक वैक सब चीजें खरीद लेते हैं. डिजिटल मार्केटिंग में ज्यादा रुपया खर्च होगा, मैं आपको बता रहा हूँ. इतने सारे टूल्स लेने होते हैं आपको, बहुत ज्यादा रुपया खर्च होता है डिजिटल. बट इन नेटवर्क मार्केटिंग इज नाउ गोइंग टू बी डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग, दैट इज फॉर श्योर. ओके, सो क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, नाउ लेट्स बिफोर आई क्लोज दिस, नेटवर्क मार्केटिंग इज अ प्रॉब्लम सॉल्वर. डोंट सी नेटवर्क मार्केटिंग एज अ बिजनेस, सी दिस एज अ प्रॉब्लम सॉल्वर. यू आर थ्रू दिस बिजनेस, इफ यू कम टू दिस बिजनेस यू विल गेट एन अपॉर्चुनिटी टू गिव अदर पीपल अपॉर्चुनिटी. इससे बड़ी और क्या चाहिए? यू आर अ प्रॉब्लम सॉल्वर. हमको ये देखना होगा, हम कोई भी काम करें, चाहे हम नौकरी करें, चाहे बिजनेस करें, नेटवर्क मार्केटिंग वॉट एवर करें, हमको ये भी समझना पड़ेगा कि जो भी हम कर रहे हैं क्या मार्केट में उसकी रिक्वायरमेंट भी है कि नहीं, क्या मार्केट में रिलेवेंट रहेगा, है भी कि नहीं. तो दिस इज एब्सोल्युटली रिलेवेंट इन मार्केट, क्योंकि हमने जो स्टार्टिंग में कुछ मार्केट रिसर्च करी, 27.1% अनएम्प्लॉयमेंट रेट है भाई, अनएम्प्लॉयमेंट रेट 27.1%. नेटवर्क मार्केटिंग को नेटवर्क मार्केटिंग की तरह मत देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग को एक प्रॉब्लम सॉल्वर की तरह अगर हम देखें, हम सब लोग मिलके. ओके, अभी आप अगर नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं है और नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आप आ जाते हैं, ठीक है, और आपके थ्रू सिर्फ 3-4 लोगों को आप इम्पैक्ट कर देते हैं, उतना ही बहुत है, मैं आपको बोल रहा हूँ. ओके, सो इसके अंदर क्या नहीं है, लोग कहते हैं कि बड़े बड़े लोग चैरिटी करते हैं, मैं आपको बोल रहा हूँ कि किसी की लाइफ, किसी से मैंने सुना था कि किसी को रुपया से हेल्प करने से अच्छा है कि उसको रुपया कैसे कमाना है उसको वो सिखा दिया जाए. किसी को रुपये से हेल्प मत करिए, लोगों को रुपया कैसे कमाना है वो जरिया दे दीजिए. दैट इज अ मच बेटर थिंग. एंड सो दिस इज अ प्रॉब्लम सॉल्वर थिंग, रिलेवेंट टू द मार्केट नीड. मार्केट में इसकी रिक्वायरमेंट है. जैसे आपने देखा होगा मार्केट में रिक्वायरमेंट थी और जरा टैक्स कमाने की और इन सब चीजों की, तो क्या हुआ, दारू के वो जो ठेके थे खुल दिए ना, दारू के ठेके खुल गए रुपया कमाने के लिए, जो भी है, जो भी सिचुएशन थी. नाउ यू नो कि
अनएम्प्लॉयमेंट रेट को कम करने के लिए, डू यू थिंक कि गवर्नमेंट हो या कोई भी हो, क्या स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, इसको बंद कर देगी नेटवर्क मार्केटिंग को? नाउ नेटवर्क मार्केटिंग इज अ वेरी वेरी स्टेबल कॉन्सेप्ट, इट इज अ वेरी स्टेबल इंडस्ट्री. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी कंपनी राइट नाउ, आई एम टॉकिंग अबाउट द कॉन्सेप्ट. ओके, सो रेलेवेंट टू द मार्केट नीड. नाउ नेक्स्ट इज डिजिटल मार्केटिंग प्लस नेटवर्क मार्केटिंग. नाउ दिस इज अ पावरफुल कॉम्बिनेशन. अल्टीमेटली बींग अ मार्केटर वॉट वी हैव टू डू, बींग अ मार्केटर वी जस्ट हैव टू एजुकेट अवर प्रोस्पेक्ट. तो हमको अपनी स्किल्स को अपडेट करना होगा टू एजुकेट अवर प्रोस्पेक्ट. बींग अ नेटवर्क मार्केटर, मैं अपने आप को अपनी स्किल्स भी इंप्रूव कर रहा हूँ. मैं आप लोगों को भी बोलूंगा, अगर आप भी नेटवर्क मार्केटिंग में, तो जस्ट कीप इंप्रूविंग योर स्किल्स, जिससे कि आप अपने प्रोस्पेक्ट को उस शब्द में समझा पाए जो कि वो समझ पाए. ओके, सो जो अच्छा टीचर होगा, जो अच्छा कोच होगा, जो अच्छा एजुकेटर होगा, लोग उसकी बातें समझ लेते हैं. तो डिजिटल मार्केटिंग प्लस नेटवर्क मार्केटिंग, इट इज अ गुड पावरफुल कॉम्बिनेशन. एंड फाइनली फाइनली मैं आप लोगों को बोलूंगा, जस्ट यू बिफोर डी. आपने कभी सुना है इसको? कभी सुना है आपने कभी इस कॉन्सेप्ट के बारे में, यू बिफोर डी? व्हाट इज दिस? एनीबडी कोई गैस कर सकता है, व्हाट इज दिस? यू बिफोर डी. तो यू स्टैंड्स फॉर अंडरस्टैंड बिफोर डिसाइडिंग. ओके, अंडरस्टैंड बिफोर डिसाइडिंग. तो यू बिफोर डी. सो क्वेश्चन यहां पर क्या है कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में करूं या नहीं करूं, करूं क्या नहीं करूं? मैं आपको बोल रहा हूं, ये आप डिसाइड कर कैसे पाएंगे? मेरा क्वेश्चन ये है, कैसे डिसाइड करेंगे आप जब तक आपको अंडरस्टैंड ही नहीं करेंगे इसको? डिक्शनरी में, अगर डिक्शनरी में देखेंगे तो ए बी सी डी, डी पहले आता है और यू बाद में आता है. बट वेन वी टेक एनी, बट जब हम अपनी लाइफ से रिलेटेड कोई मेजर कोई डिसीजन ले रहे हैं तो डी बाद में आता है, पहले यू आता है. ओके, सो फर्स्ट अंडरस्टैंड देन डिसाइड. डिसाइड करिए, अगर पहले से डिसाइड करके बैठे हैं, ओहो नेटवर्क मार्केटिंग, नमस्ते नमस्ते, नेटवर्क मार्केटिंग नहीं, नेटवर्क मार्केटिंग भाई नहीं, ये करके छोड़ चुके हैं भाई, ये बेकार है, ये बेकार बिजनेस है. नो नो नो, आपको मतलब सही से समझ में नहीं आई पहली बात, तो जस्ट अंडरस्टैंड बिफोर डिसाइडिंग. बट क्वेश्चन ये भी है कि क्या आसान जॉब से आसान है मैं करूं? नहीं नहीं, आसान नहीं है भाई, ये मैं आपको पहले क्लियर बता रहा हूँ, दिस इज नॉट ईजी. यू हैव टू वर्क ऑन योर सेल्फ, यू हैव टू वर्क ऑन योर सेल्फ. आपके पास स्किल्स होने चाहिए. अगर आपके पास स्किल्स नहीं होंगे, इफ यू रन दिस बिजनेस विद अनएजुकेटेड माइंडसेट, दिस कैन बी वेरी वेरी रिस्की. बट क्या स्किल्स जॉब में नहीं चाहिए? स्किल्स तो जॉब में भी चाहिए होते हैं ना, नौकरी में ज्यादा ज्यादा स्किल्स चाहिए होंगे. यहाँ पे तो कम से कम आप स्किल्स को मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं ना. आपके अंदर स्किल्स नहीं है तो दूसरे एक ऐसे पर्सन को अपनी टीम में हायर करिए जिसके पास स्किल्स है. ओके, तो ये एक बीज है जिसको आपको बोना पड़ेगा और धीरे धीरे करके वो आगे बढ़ेगा, तब जाके ही आपके पास रुपया एंड एवरीथिंग दैट विल कम. ओके, बट इट विल टेक सम टाइम. किसी के लिए एक साल, किसी के लिए तीन साल, किसी के लिए पांच साल भी हो सकते हैं. बट द थिंग इज, नेवर नेवर एवर थिंक टू क्विट नेटवर्क मार्केटिंग. हो सकता है एक महीना दो महीना काम अच्छा ना चल रहा हो, बट क्या वो तो जॉब में भी होता है ना, वो तो हर जगह होता है भाई. एक दो महीना काम अच्छा नहीं चल रहा है तो क्या हो गया? और मेरे अपलाइन हमेशा बोलते हैं कि जब काम अच्छा नहीं चल रहा तो काम को तेज कर दो, और जब काम तेज चल रहा होता, अच्छा चल रहा होता है, तो उसको और ज्यादा तेज कर दो. तो काम हमेशा तेज होना चाहिए. आपके माइंडसेट, आपका माइंडसेट, हमारा माइंडसेट कभी भी ये नहीं होना चाहिए कि ओ नहीं हो पा रहा है, लेट्स क्विट. नो, अंडरस्टैंड मोर, इंप्रूव योर स्किल्स, एंड देन अगेन रीबिल्ड दिस बिजनेस विद अ न्यू. जब पूरी दुनिया जब आफ्टर कोरोना के लिए रेडी हो रही है, तो क्या हम नेटवर्क मार्केटिंग 2.0, नाउ दिस इज गोइंग टू बी नेटवर्क मार्केटिंग 2.0, विच मीन्स डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग के लिए क्या हम अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं? नाउ दैट्स अ क्वेश्चन. राइट, सो आई होप यू गॉट सम वैल्यूएबल लेसन्स हियर. आई टोल्ड यू अबाउट द नेचर ऑफ जॉब, आई टोल्ड यू अबाउट सम मार्केट रिसर्च, आई टोल्ड यू अबाउट देयर आर टू टाइप्स ऑफ इनकम. ओके, एंड आफ्टर ऑल दिस थिंग्स आई होप कि यू विल बी नाउ एबल टू डिसाइड विच इज गुड फॉर यू, जॉब या फिर नेटवर्क मार्केटिंग. नाउ यू हैव टू डिसाइड. नाउ दिस इज माई, दिस आर माई परसेप्शंस अबाउट इज नेटवर्क मार्केटिंग बेटर देन जॉब. You have to decide this. I just given you proper some facts. Okay. All right. So in the comment box, जो भी comments नीचे आप लिख रहे हैं, comment box में आप जरूर लिखिए, what would you decide, job या business? Just type job या फिर just type business. All right.